फ्रेंड्स, आपके पास एक गर्लफ्रेंड है और अगर नहीं भी है तो इस वीडियो के अंत तक आपके पास भी एक गर्लफ्रेंड होगी, केवल लास्ट तक बने रहे। दोस्त, इस वीडियो में हमने करीबन 250 लड़कियों पर सर्वे किए हैं। हमारे कहने का मतलब है कि हमने उनसे बार बार जाकर पूछा कि आप एक कैसा बॉयफ्रेंड बनाना चाहेंगे, तो दोस्त उन्होंने जो बताया उनका ओपिनियन ही लेकर आए हैं हम इस वीडियो में। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दे। फ्रेंड्स, अब हम जानेंगे कि एक लड़के में एक लड़की के अनुसार क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए जिससे फॉलो करने पर एक बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड के बीच कभी तकरार शुरू नहीं होती और हमेशा रिश्तों में मिठास बनी रहती है। नंबर वन, भले ही ये एक छोटी सी बात हो लेकिन बॉयफ्रेंड का गुड नाइट और गुड मॉर्निंग विश करना एक अच्छा एहसास देता है। इसी गुड मॉर्निंग से कुछ लड़कियों का दिन बन जाता है तो कुछ को गुड नाइट विश करने से अच्छी नींद आती है। नंबर टू, आमतौर पर हर लड़की को फोटो खिंचवाने का शौक होता है, खासकर जब लड़की अपने बॉयफ्रेंड के साथ होती है तो ज़्यादा से ज़्यादा तस्वीरें खींचती है। ऐसा इसलिए क्योंकि वो अपना बॉयफ्रेंड के साथ बिताए हर लम्हे को कैमरे में कैद करना चाहती है। नंबर थ्री, दोस्त, हमने यह भी एक चीज़ सर्वे में पाया जो शायद आपको चौंका सकती है। लड़की खुद कहे या ना कहे लेकिन हर लड़की यह चाहती है कि उसका बॉयफ्रेंड उसे किस करे। जी हाँ फ्रेंड्स, तो अब से अगर आपका कोई भी गर्लफ्रेंड हो तो, या इन फ्यूचर में कभी भी बने, तो इस ट्रिक को अपनाना मत भूलिएगा। नंबर फोर, फ्रेंड्स, अगर कोई लड़की एक लड़के से प्यार करती है तो उसे यह बताने की ज़रूरत नहीं है वे एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं, लेकिन हमने सर्वे में पाया कि एक लड़की की ख्वाहिश होती है कि उसका बॉयफ्रेंड उसे बार बार यह एहसास दिलाता रहे कि वह उससे कितना प्यार करता है। लड़कियां हमेशा चाहती हैं कि उसका बॉयफ्रेंड उसे दिन भर में कई बार आई लव यू बोले। नंबर फाइव, बचपन बीत गया तो क्या हुआ है? इसके बावजूद भी लड़कियां अपने बॉयफ्रेंड से सॉफ्ट टॉयज गिफ्ट में चाहती है जिनको वह हग कर सके और रात में उसे गले लगाकर सोए। तो दोस्त, ये थे हमारे 5 टिप्स जो अगर आप अपने लाइफ में इसे फॉलो करें तो आपके रिश्ते में हमेशा मिठास बनी रहेगी। और अगली वीडियो में हम आपके लिए और 5 टिप्स लेकर आएंगे, तब तक के लिए वीडियो का इंतज़ार कीजिए।